हेलो एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, राजस्थान में अब आयोजित होगी सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो राजस्थान में आयोजित होने जा रहा है। और सभी प्रकार की राजस्थान के अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक पद हेतु एक ही परीक्षा सीईटी नाम से आयोजित की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी तक क्या होता था कि विद्यार्थियों को जैसे राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम आ गए तो उसकी तैयारी करें, पटवारी की आ गई, हॉस्टल वार्डन की आ गई, ग्राम सेवक की आ गई, इस प्रकार से जो भी परीक्षाएं उस सब के लिए आवेदन करना पड़ता था, सभी के लिए अलग से शुल्क देना होता था और सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वो उसको करनी पड़ती थी। तो अब क्या होगा, सभी परीक्षाएँ अलग अलग ना होकर एक ही समान पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसका मैं नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट का वो आपको मैं दिखा देता हूँ और उसी का हम अध्ययन करते हैं। तो इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो आप देख सकते हो, राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग का ये ऑर्डर है, 23 जून 2021 की डेट का ही है। और यहाँ आप देख सकते हो, आदेश यहाँ इन्होंने एक टाइप किया है कि अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में भर्ती संबंधी कार्य या तो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है और कुछ भर्ती अधीनस्थ सेवाओं की वो RPS यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग है जो अजमेर, उसके द्वारा भी करवाई जाती है। तो और या फिर कुछ अपने स्तर पर जो नियुक्ति अधिकारी है वो भी इन पर नियुक्ति करते हैं कोई भी भर्ती एजेंसी के माध्यम से। तो अभ्यर्थियों क्या होता है, बार बार आवेदन करना होता है और प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, एक कॉमन परीक्षा तैयार की गई है, एक योजना ऐसी है कि समान पात्रता परीक्षा और सभी अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं के जो गेट तकनीकी पद हैं उनके लिए एक ही भर्ती परीक्षा होगी, समान पात्रता परीक्षा नाम से, ऐसा ये निर्णय लिया गया है। वर्तमान में जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उनको छोड़कर आगे आने वाली जितनी भी भर्तियाँ होगी उन सब में भाग लेने के लिए उसको समान पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, यानी उसमें भाग लेना आवश्यक होगा। जिन्होंने समान पात्रता परीक्षा में भाग लेंगे जो विद्यार्थी, वही इन आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पार्टिसिपेंट कर सकेंगे, उनमें आवेदन के पात्र होंगे, तो बिना CET के वो अपात्र माने जाएंगे। और दूसरा ही बात यहाँ पे है, CET जो एग्ज़ाम है समान पात्रता परीक्षा, वो दो स्तरों पर होगी, एक तो स्नातक स्तर के लिए और एक उच्च माध्यमिक के लिए, यानी एक तो ग्रेजुएशन लेवल पर और एक सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। इन सब के लिए अलग अलग अनुसूची है, अभी आपको मैं नीचे दिखाऊँगा, अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकेंड, जिसमें एक ग्रेजुएशन लेवल के लिए है और दूसरी है हायर सेकेंडरी लेवल पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, समान पात्रता परीक्षा का जो आयोजन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा, यानी RSSP के द्वारा किया जाएगा। और इस परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा सामान्यतः वर्ष में एक बार किया जाएगा, यानी प्रतिवर्ष यह परीक्षा आयोजित की जाएगी CET नाम से, यानी समान पात्रता परीक्षा। और इसमें जो प्रश्न पत्र होगा वो एक चरणीय होगा, यानी एक स्तर का होगा, और बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें प्रश्न होंगे। और समान पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन के लिए बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जो वरिष्ठ अधिकारी है वो उसका प्रभारी होगा और वो सीधे ही कर्मचारी बोर्ड के जो अध्यक्ष है उसको रिपोर्ट करेगा। यहाँ आपको बता दिया जाता है कि इस परीक्षा में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, यानी कोई पासिंग मार्क निर्धारित नहीं होंगे, बल्कि किसी विशेष पद की भर्ती के लिए इस परीक्षा में जो आपके अंक आएंगे, जो आप अर्जित करोगे, उसी के आधार पर आगे आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समान पात्रता परीक्षा में अर्जित जितने भी अंक हैं उसकी जो वैलिडिटी है, वैधता है, वो 3 वर्ष की रहेगी। और कोई भी भर्ती परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर पात्र होने पर 3 वर्ष तक और संबंधित पदों के लिए आवेदन हेतु पात्र माना जाएगा और वह 3 साल तक उसकी वो वैलिडिटी रहेगी। फिर आगे महत्वपूर्ण बिंदु आप देखो, पॉइंट नंबर जो 8 है, यहाँ आप देख सकते हो, इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई भी सीमा नहीं होगी, यानी कोई अवसर की सीमा नहीं है, आप कितनी भी बार इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रतिवर्ष आयोजित होगी, आयु संबंधी और अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग में या अंक सुधार हेतु, मार्क्स इंप्रूवमेंट हेतु, एक से अधिक बार इसमें भाग ले सकता है और कितनी भी बार इसमें भाग ले सकता है। और अधिक अंक यदि वो अर्जित करेगा तो पात्रता हेतु गिना जाएगा। यदि जैसे मान लो आपने इस साल मान लो ये आयोजित होती है तो इसमें आपने यदि 75 अंक प्राप्त किए हैं और अगली बार यदि आपने इसमें 82 अंक प्राप्त कर लिए तो आपको अधिक वाले अंक इसमें मान्य होंगे। यदि आपके कम नंबर आ जाते हैं अगली बार तो भी आपके पहले वाले जो अधिक नंबर आए हुए हैं वो मान्य होंगे।
और इसमें राजस्थान में प्रचलित जो आरक्षण के प्रावधान है वो सभी इस परीक्षा में लागू होंगे, आरक्षण के प्रावधान भी। और इसमें केवल एक पात्रता परीक्षा होगी और इसमें जो भी अर्जित आप अंक करते हो, जो भी अंक आप अर्जित करते हो उनको अंतिम चयन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। केवल इस परीक्षा में शामिल होने का अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यह केवल एक पात्रता परीक्षा होगी। इसके बाद जो भी आवेदित एजेंसी है, जो भी विज्ञापित पद आते हैं हमारी विज्ञप्ति में, तो उसके आधार पर आपको चयन किया जाएगा। तो उसमें आपको केवल और केवल इंटरव्यू हो सकता है या कोई छोटा मोटा और एग्ज़ाम हो सकता है उसके अलावा, लेकिन ये जो मार्क्स है ये तो महत्वपूर्ण आपके रहेंगे ही CET के। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक बार ही पंजीकरण यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी जिससे न केवल समान पात्रता परीक्षा में बल्कि अन्य यदि किसी भी भर्ती एजेंसी के माध्यम से यदि अभ्यर्थी को बार बार आवेदन नहीं करना पड़े, ऐसी व्यवस्था एक बार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन से हो जाएगी। और कोई भी एजेंसी यदि इसका प्रयोग करेगी तो ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो यूनिक पहचान संख्या जनरेट होगी उसके आधार पर आवेदन की स्क्रूटनी आसानी से हो सकेगी। CET यानी समान पात्रता परीक्षा है, इसको आयोजित करने के लिए और जो नियम बनाने का जो कार्य है वो कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ही ये समान पात्रता परीक्षा है इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पहले से विज्ञापित जो पद है यानी जो वैकेंसी आ चुकी है उन पर ये भर्ती लागू नहीं होगी, ये जो परीक्षा है CET उन पर लागू नहीं होती, वो अपने पहले के हिसाब से कार्यक्रम अनुसार जारी होगी। इसके अलावा राज्य सरकार से संबंधित अन्य जो राज्य के उपक्रम है या स्वयंसहायता संगठन है, निगम है, बोर्ड है, बैंक है आदि द्वारा भी अपने संस्थानों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए जो समान पात्रता परीक्षा है इनके अंकों का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि समान पात्रता परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और ये राजस्थान में आयोजित होने जा रही है तो एक बहुत ही मैं कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा ये मौका है कि अपने जो तैयारी है उसको एक रूप होकर एक निष्ठा से इस एकाग्रता से इसकी तैयारी कर सकेंगे। अलग अलग पदों की तैयारी उस ढंग से नहीं हो पाती है और जबकि CET के द्वारा एक जो सिलेबस रहेगा वो पैटर्न पूर्णतः निर्धारित रहेगा पहले से और उस एग्ज़ाम की एक जो आपको सामने एक दे दिया जाता है कि इतना सिलेबस आपका रहेगा चाहे उसमें हिंदी हो, इंग्लिश हो या मैथ हो, कुछ भी हो, तो उसकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हो पूरे वर्ष में। और एक टारगेट रहेगा आपको कि एक वर्ष में अपने को ये CET का जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाई करना है, ये उत्तीर्ण करना है, उसमें अधिक से अधिक नंबर आपको प्राप्त करने हैं। यहाँ आप देख सकते हो अनुसूची वन में CET ग्रेजुएशन के लेवल पे जो CET आयोजित होगी उसमें निम्नलिखित पद हैं, अधीनस्थ सेवा के हैं, ये आप देख सकते हो, जिलाधार है, जूनियर अकाउंटेंट है, TRA है, टैक्स असिस्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर है, मैनेजर इंडस्ट्रियल एस्टेट है, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर है, सुपरवाइज़र है और कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग है, डिप्टी जेलर है, असिस्टेंट जेलर है, पटवारी है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको ग्राम सेवक कहते हैं, वर्तमान में नाम ग्राम विकास अधिकारी हो चुका है ये है, छात्रावास अधीक्षक जो होते हैं वो है, ये सभी इसमें शामिल है ग्रेजुएशन लेवल में। और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जो CET आयोजित की जाएगी उसमें लेबोरेटरी इंचार्ज है, फॉरेस्टर है, क्लर्क ग्रेड सेकेंड है, जूनियर असिस्टेंट है, LDC है, जमादार ग्रेड सेकेंड है, ये सभी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर इनका एक CET एग्ज़ाम आयोजित होगा। तो इस प्रकार से दो लेवल पे होगा, एक तो ग्रेजुएशन लेवल पे और दूसरा सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे नई जानकारी अपडेट होने पर आपको समय समय पर जानकारी दे दी जाएगी। तो आपसे केवल इतना निवेदन है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस PDF को प्राप्त करना यदि आप चाहते हो तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसी प्रकार की नई नई अपडेटें वहाँ से आसानी से प्राप्त हो।